इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि पार्ट वन का कॉन्टिन्यूशन है। पार्ट वन में मैंने बात की थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, नोटिस का मीनिंग क्या है, अटेस्टेशन का मीनिंग क्या है, जो बेसिक असेंशियल्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी पार्ट वन में। अब जो पार्ट है, इसमें स्पेसिफिकली नोटिस के रिगार्डिंग डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो इसका बेसिक कॉन्टेंट है, हमने वीडियो नंबर वन में कवर किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिक एलिमेंट्स, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया, अगर आप वो चेक करना चाहते हैं, सेम वीडियो में कवर्ड है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो नोटिस है वर्ड, इसके रिगार्डिंग और एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इनके रिगार्डिंग प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी, ताकि आपको ये टर्म्स क्लियर हो पाएं फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और दोस्तों, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन नंबर 39 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो आपको नोटिस जो वर्ड है, मतलब जानकारी, अभी यहां पे कुछ और ऐसे जो टर्म्स हैं जिनके बारे में वीडियो नंबर वन में बातें नहीं की गई, इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया जाएगा। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये पूरे का पूरा एक्ट रूल ऑफ इक्विटी के बेसिस पे था, राइट? मतलब जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअल में नहीं था, तब जो रूल ऑफ इक्विटी है, सारे के सारा इस बेसिस पे चलाया जाता था। बट यहाँ पे मुश्किल क्या थी कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, मान के चलिए दो पर्सन हैं, अगर ये कोर्ट नंबर वन के पास गए, तो सेम फैक्ट्स के बेसिस पे इस कोर्ट में डिसीजन कुछ और दिया जाता था। और सेकंड वाली पार्टी का अगर फैक्ट सेम भी हैं, क्योंकि सब कुछ क्या चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, तो वहां पे डिसीजन कई बार कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता था दोनों डिसीजन में, चाहे फैक्ट्स सेम है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ, जो हमने बात की कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक लॉ का होना बहुत जरूरी था, राइट? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ, ठीक है? तो कोई भी ऐसी प्रोविजन जो है, उनको बेसिकली इंग्लिश लॉ से लिया गया, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ते हुए कुछ एडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, वन इज रजिस्ट्रेशन एक्ट, दूसरा कुछ ऐसे टर्म्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट्स, ठीक है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहां पे सिर्फ सेल की बात कही, ठीक है। अब इसमें और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या है, यहां पे सिर्फ सेल की बात की गई और कुछ सिलेक्टेड तरह से, ठीक है। बट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर इज एक्चुअली अ वाइडर टर्म, ठीक है। वहां पे सिर्फ सेल की बात की गई, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम बात करते हैं मॉर्टगेज, हम बात करते हैं लीज की, हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉर्टगेज की, हम बात करते हैं गिफ्ट के रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग, एक्सचेंज के रिगार्डिंग। तो मतलब इस सब्जेक्ट में इट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बट हमें ध्यान होना चाहिए कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इट ओनली डील्स विद द मूवेबल, राइट? बट जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें दोनों चीजें कवर्ड हैं, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, दोनों ऑप्शन मार्क करने हैं, दैट इज इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? अब कुछ और ऐसी प्रोविजंस जिनको मैं रिवाइज करवा रहा हूं यहां पे, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर टोटल 137 सेक्शन हैं। यहां पर मैं मेन कंटेंट लिख भी देता हूं, 137 सेक्शंस, टोटल 8 चैप्टर्स, जो कि हमने वीडियो नंबर 1 में भी डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग। और जो पूरा एम है इस एक्ट का, इट वॉज टू हैव अ सिंगल एक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसा पहले बताया मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी सबको डील किया जाता था, तो प्रैक्टिकली आफ्टर 1882, मतलब जो इस पीरियड के दौरान
ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी हर चीज़ नहीं चल पा रही थी, अल्टीमेटली एक लॉ को लेजिस्लेट किया गया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। और यहाँ पे इट इज एप्लीकेबल इंटर वाइवोस, मतलब बिटवीन द लिविंग पर्सन। दोस्तों विल वाले केस में क्या होगा, इन केस ऑफ विल्स सक्सेशन एक्ट इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस केस में सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इट इज इंटर वाइवोस, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक्स पे, जो इस पर्टिकुलर वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोटिस। फाइन, अब नोटिस में सबसे मेजर दो वर्ड की कवर किया जाएंगे, वन इज एक्चुअल नोटिस, अदर वन इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, राइट। अभी मैंने दो टर्म्स यूज किए, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। दोस्तों इसको और वैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ पाए, राइट। कि जैसे हम नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस मतलब यहां पे एक्चुअल का मतलब है कि जो चीज दिख रही है, मतलब एक्चुअल में जो एग्जिस्ट कर रही है चीज, दैट इज एक्चुअल नोटिस। नोटिस का मतलब है जानकारी। कंस्ट्रक्टिव है कि मान के चला जाएगा कि उस चीज की जानकारी थी, राइट। एक्चुअल मतलब जो फैक्ट ऑलरेडी है, एंड कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि मान के चला जाएगा कि इन चीजों के रिगार्डिंग नोटिस था, मतलब जानकारी थी, राइट। तो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि फर्स्ट टर्म विलफुल एब्सटेंशन, विलफुल एब्सटेंशन, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, दैट इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। इन टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा एग्जांपल के साथ, ताकि आपको इजीली ये सारे पॉइंट समझ आए जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंडर कवर्ड है। थर्ड वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है एक्चुअल पोजेशन। तो एक्चुअल पोजेशन क्या है, इट प्लेज द रोल ऑफ अ नोटिस, राइट। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है, इट इज रजिस्ट्रेशन डीड, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, इट इज नोटिस टू एजेंट। अगर एजेंट को वो चीज पता है, इट विल बी इंप्लाइड के प्रिंसिपल को वो चीज पता है, राइट। अब इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग इनको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नोटिस का पूरा टॉपिक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर आपको ये टर्म क्लियर है नोटिस, तो आपको पूरे का पूरा एक्ट समझने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बार बार रिपीट होगा, वॉट इज द रोल ऑफ अ नोटिस, मतलब नोटिस है क्या, जानकारी, ठीक है। तो यहां पे मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इसके रिगार्डिंग, राइट। अब सबसे पहला पॉइंट विलफुल एब्सटेंशन। दोस्तों पहले मैंने बात की, अब विलफुल एब्सटेंशन ये बात बोलता है कि कोई पार्टी है, राइट, अगर पार्टी ए ने पार्टी बी के साथ, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी कन्वे हुई, राइट। अब यहां पे पार्टी बी को प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिए गए, टाइटल डॉक्स, कि उसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ है और उसमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सब कुछ मेंशन्ड है, तो ये क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। दोस्तों जो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है, रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब ग्रॉस नेग्लिजेंस वाला पॉइंट है, हमने यहां पे वर्ड यूज किया नेग्लिजेंस। अभी यहां पे एक एग्जांपल जनरेट करते हैं। मान के चलिए एक पार्टी है, पार्टी एक्स। पार्टी एक्स ने किसी पर्टिकुलर बैंक ए से कुछ अमाउंट का ओवरड्राफ्ट लिया, राइट, मतलब वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो डॉक्स थे उनको गिरवी रख के पार्टी ने बैंक से कुछ ओवरड्राफ्ट लिया, पैसा लिया, और यही पार्टी
कुछ टाइम के बाद बैंक के पास जाती है कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं परचेजर को ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकूं, ताकि मैं परचेजर को ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकूं और जो पार्टी जो परचेज करेगी इस प्रॉपर्टी को, मान के चलिए वो पार्टी जेड है, उनको मैं ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकूं ताकि वो जो ये प्रॉपर्टी अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट है उस अमाउंट को पे कर दें। मैं बात कर रहा हूं 1930s के केस लॉ की, राइट। तो बैंक के पास गया पार्टी एक्स कि हमें वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए ताकि मैं दूसरी पार्टी को डॉक्यूमेंट्स एक बार दिखा के और ये पार्टी ओवरड्राफ्ट का पैसा पे कर देगी जो मैंने बैंक से उधार लिया हुआ है। बैंक ए ने पार्टी एक्स को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। अब पार्टी एक्स ने क्या किया, डॉक्स किसी को नहीं दिखाए, रादर पार्टी एक्स ने किसी पार्टी जी को प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ बैंक कि उन्होंने सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिस पे इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड क्यों किया पार्टी एक्स को, राइट। दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। कोई भी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स की, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इट इज कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल। मतलब जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, अगर वो 100 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट है तो वहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। अगर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो इट इज इम्प्लाइड दैट द कॉन्टेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर नोन। इम्प्लाइड है कि उसके जो कॉन्टेंट्स होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो जो परचेजर है उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कॉन्टेंट्स पता होंगे उसमें क्या कवर्ड है। बाद में वो यही नहीं बोल सकता कि मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, राइट। दैट मीन्स जो परचेजर है उसको, इफ द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, उसके पास एक प्रॉपर तरीका है चेक करने का कि अगर ये रजिस्टर्ड है, ही इज इम्प्लाइड टू नो द कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, एक्चुअल पोजेशन। मैंने जो फोर्थ पॉइंट की बात की थी, इट इज रिगार्डिंग एक्चुअल पोजेशन, ठीक है। और एक्चुअल पोजीशन को भी हम प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे जाके आपको ये बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द एक्ट, राइट। अभी कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एक्चुअल पोजीशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए देर इज पार्टी ए, राइट। पार्टी ए ने पार्टी बी को एक पीस ऑफ लैंड सेल कर दिया। पार्टी ए ने पार्टी बी को वो चीज़ की पूरी सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, राइट। अब पार्टी बी इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। कल को क्या हुआ, आफ्टर पैसेज ऑफ फ्यू इयर्स, पार्टी ए ने सेम पीस ऑफ लैंड पार्टी सी को सेल कर दिया, राइट। अब पार्टी सी का क्या देखना बनता था, दैट इफ ही इज द सेलर बट पोजेशन तो बी के पास है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि अगर बी के पास पोजेशन है वो किस बिहाफ पे है, राइट। उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर सेलर ये है बट पोजेशन किसी और के पास है, देन ही शुड बी अवेयर कि ये पोजेशन इसके पास क्यों है, राइट। दिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देन लास्ट पॉइंट हेयर इज नोटिस टू एजेंट, राइट। लास्ट पॉइंट हेयर इज नोटिस टू एजेंट। अब यहां पे दो सिचुएशंस हैं, अगर एजेंट है वो एक प्रिंसिपल के लिए वर्क कर रहा है, इफ एजेंट की अगर जानकारी है इट विल बी इंप्लाइड कैट प्रिंसिपल की भी जानकारी है उस पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग। सो नोटिस टू द एजेंट इज इक्वली गुड कि हम बात कर रहे हैं दैट दिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि प्रिंसिपल को इस चीज़ के बारे में पता होगा। बट यहाँ पे फिर भी एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया, अगर ये प्रूव हो जाता है कि एजेंट ने मैलाफाइड इंटेंशन से उसने जानबूझ के ये चीज़ प्रिंसिपल के नॉलेज में नहीं लाई, ठीक है, तो उस केस में इस चीज़ को
आउट कर दिया जाएगा देन इट विल बी नॉट कवर्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस राइट। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पोस्ट में हमने नोटिस के बाद की टोटल 6 पॉइंट्स यहां पे कवर किए, विलफुल एब्सटेंशन, ग्रॉस नेग्लिजेंस, नोटिस ऑफ पोजेशन, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग टाइटल डीड, रिगार्डिंग द रजिस्टर्ड डीड और लास्ट में जो बात करी नोटिस टू एजेंट। तो इन चीजों का पता होना चाहिए विच इज कवर्ड अंडर द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसी सीरीज में और वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस को आपको अपडेट मिल पाए साथ ही साथ। थैंक्स अ लॉट।